नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्जियोमेटिकोस पे। आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2019 की प्रॉब्लम नंबर 36 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम है कि लेट एफ फ्रॉम सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन विद एफ ऑफ 1/n इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन इज नो सच एफ एग्जिस्ट। सेकेंड ऑप्शन इज सच एन एफ इज नॉट यूनिक। थर्ड ऑप्शन इज एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। एंड लास्ट वन इज एफ नीड नॉट बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है एंड ये प्रॉब्लम आइडेंटिटी थ्योरम से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी थ्योरम लिख देता हूँ। क्या है कि नोट तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी थ्योरम लिख देता हूँ कि नोट लेट एफ फ्रॉम डी टू सी। यहाँ पे डी डोमेन है। डी का मतलब है कि डी बी ओपन प्लस कनेक्टेड। डी एक एनआरटी फंक्शन डी डोमेन डी पे है। अगर f ऑफ z इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ये सेट ए, सेट ए सबसेट d का सबसेट है और उसके हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन जीरो है। तो अगर जो सेट ये जीरोज का जो सेट है इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट यानी बी बिलोंग्स टू ए प्राइम, अगर ये बी सेट डी को बिलोंग कर गया तो ये फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो जाएगा पूरे डी पे। ठीक है, तो हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जीरो का सेट हम लोग ए बनाते हैं। तो ए क्या है हमारा फंक्शन, ए क्या है 1/n, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये जीरोज का सेट है और इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या है, जीरो। जीरो है इस सेट का लिमिट पॉइंट, जीरो बिलोंग्स टू ए प्राइम एंड जीरो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ओपन, ये पूरा जो सी है, सी कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ओपन और कनेक्टेड दोनों है। तो ये हमारी जो थ्योरम की कंडीशंस हैं, यानी ये सेट ये डी की सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है, यानी इस थ्योरम की सारी कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो जो हमारा जो फंक्शन है इस पूरे डी पे, इस पूरे मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि नो सच एफ एग्जिस्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन एफ मिल गया जो एग्जिस्ट कर रहा है। बोला है कि सेकेंड ऑप्शन सच एन एफ इज नॉट यूनिक, दिस इज यूनिक, दिस फंक्शन इज यूनिक। थर्ड ऑप्शन बोला है कि एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। एंड लास्ट वन एफ नीड नॉट बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यहाँ पे एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऑप्शन फोर इनकरेक्ट हो गया। तो थैंक यू सो मच।